वेलकम बैक टू माई चैनल स्टाइल ऑफ इंडिया और मेरा नाम है निशा। इट्स डे टू इन भोपाल, इसलिए हमने शुरुआत की थी गौहर महल से और यहाँ पे आके हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती अंदर का व्यू। बट स्टिल हम लोग वहाँ पे गए थे अंदर और हमने काफ़ी इंजॉय किया। अगर आपको हिस्टोरिक प्लेस और ऐसे पुराने महल वगैरह देखने का अच्छा लगता है देन डेफिनेटली आप इस जगह पे आ सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी आप इंजॉय कर सकते हैं। सो लेट्स सी, हम और अभी जाएंगे दूसरी जगह पे और थोड़ा बहुत जो एक्सप्लोर करना बाकी रह गया था वो करेंगे और शायद थोड़ा स्ट्रीट फूड भी मुझे ट्राई करना था, वो भी मैं डेफिनेटली वहाँ पर जाके ट्राई करूंगी। देखते हैं मुझे क्या यहाँ पे ऑथेंटिक भोपाली डिशेस मुझे ट्राई करने को मिलती है। सो लेट्स गो। सो नेक्स्ट हम आए हैं ताजुल मस्जिद में और ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद है। ये सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट ही नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है बिकॉज यहाँ पे साल में 3 दिन इज्तिमा किया जाता है, दुआ पड़ी जाती है, तो काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। और हम यहाँ पे 4th दिन पहुँचे थे और यहाँ पे बाहर मेला लगता है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह ये दिखी और बहुत ही शानदार ये मस्जिद बनाई गई है। भोपाल शहर को आप मस्जिदों का शहर भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी मस्जिदें देखने को मिलेंगी। सो नेक्स्ट हम आए हैं मोती मस्जिद में जो छोटी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है प्लस एक रिलीजियस प्लेस भी है, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार। नेक्स्ट मैं आई हूँ न्यू मार्केट में, यहाँ पे काफ़ी लेटेस्ट कलेक्शन में आपको ड्रेस पर्सेज मिल जाएंगे और बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आपको न्यू मार्केट का मेरा व्लॉग देखना हो तो आप आई बटन पे जाके ये व्लॉग पूरा देख सकते हैं। और यहाँ पे आके मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी और यहाँ पे बहुत ही अच्छी एक मिठाई शॉप है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। यहाँ पे मैंने मलाई रबड़ी खाई जो बहुत ही मज़ेदार थी, शायद ही मैंने कहीं खाई होगी। तो ये सिर्फ 40 रुपीज़ की थी और इसे खा के तो मुझे मज़ा ही आ गया। मस्जिद देखने के बाद यहाँ पे हम कमला पार्क में आए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा पार्क है। ये एक्चुअली बड़े लेक और छोटे लेक के बीच पे बना हुआ पार्क है और यहाँ पे कमलापति पैलेस भी है और ये जो पूरी एरिया है कमलापति महल और ये पार्क पूरा कमलापति जो रानी थी उनके नाम पर ये बनाया गया है 1722। लेक का आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, अगर आप यहाँ पे शाम के टाइम आएंगे तो और भी ज़्यादा इंजॉय कर सकते। बहुत ही टेंडर इसका चिकन और बहुत ही जूसी, कम मसालेदार लेकिन बहुत ही मज़ेदार थी। तो अगर आपको भोपाल में बिरयानी टेस्ट करनी हो तो जमजम की बिरयानी एक बार ज़रूर आप टेस्ट कर सकते हैं। जमजम की बिरयानी खा के तो मज़ा ही आ गया, लेकिन मीठा भी कुछ ज़रूरी था, इसलिए मैं एक स्वीट शॉप में आई हूँ जिसका नाम है भगवान उस्ताद जो जमगम के पास में ही है। और लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी तब मैंने गुलाब जामुन यहीं से खाए थे, तो जब अब मेरा गुलाब जामुन खाने का मन किया तो मैं थोड़ा यहीं पर चली आई, तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन है, जस्ट आप मुँह में डालेंगे तो सब लोग गायब हो जाएंगे, इतनी बढ़िया गुलाब जामुन है। तो मैं तो बोलूँगी भोपाल के सबसे बेस्ट गुलाब जामुन अगर आपको खाने तो यहीं आना पड़ेगा।
आप देख सकते हैं पूरा मावे से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। तो ये दिन आज का यहीं ख़त्म करते हैं यहाँ पे ही, शायद भोपाल की जर्नी हमारी ख़त्म होगी, आगे हम ग्वालियर में मिलेंगे। तो यानिशा साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन, डू कमेंट ऑन माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप मेरे जो भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ हैं वो देख सकें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।